हेलो गाइस, ये है 15-12 3.3 लीटर इंजन। आप देख सकते हैं इसमें इंजन टाइमिंग कैसी मिलाती है। हम देख सकते हो इंजन, हमने इंजन प्लेट डिसेंबल किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक बोल्ट लिया जाता है जिसमें यहाँ पे एक होल रहता है, इसमें जिसमें इसी ये बोल्ट उसी में छेद में लगता है। देख सकते हो इसमें हम क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग मिलाते हैं, जो पहला और तीसरा टॉप पे रहता है। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट का गियर यहाँ पे पॉइंट रहता है, इसमें 8 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए यहाँ पे पॉइंट। और यहाँ पे पुल रहता है जो क्रैंकशाफ्ट गियर को लॉक करता है। यहाँ पे देख सकते हो लॉक कैसे किया जाता है, ये जो लॉक रहता है आप देख सकते हो लॉक किस में होता है। ये देखो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे खाँचे दिए रहते हैं दोनों में, तो उस खाँचे में ये जो टूल है, स्पेशल टूल है, वहाँ लॉक फंस जाता है वहाँ पे, जिससे वहाँ गियर लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो पॉइंट रहता है, आप देख सकते हो इसमें पॉइंट दिया है, इधर दोनों गियर में के पॉइंट दिया रहता है, उस पॉइंट के बीच में 8 बार चैन आना चाहिए। सॉकेट है, आप देखे होंगे, गिने होंगे। उसके बाद और क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग हो चुका है, हरी क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग हम देखे होंगे। इसी तरह से 3.3 लीटर में टाइमिंग मिलाया जाता है। आप देखे होंगे टाटा अल्ट्रा बस में भी इसी तरह से टाइमिंग मिलाते हैं, नीचे बोल में लॉक किया जाता है और ऊपर उस जो आपने देखे होंगे टूल, उस टूल से लॉक किया जाता है। इसी तरह से आप देखे होंगे टाइमिंग चेन इसी तरह से लॉक किया जाता है। एक देखो पिस्टन है, एक क्रैंकशाफ्ट गियर है और वो क्रैंकशाफ्ट गियर। तो गाइस थैंक यू गाइस।